डियर स्टूडेंट्स अभी हम फाइलम प्लेटर हेलमेंथिस के अंडर डिफरेंट क्लासेस के बारे में डिफरेंट फ्लूस के बारे में पढ़ रहे हैं आज जो मॉड्यूल हमने सिलेक्ट किया है वो है एक और फ्लूकस के बारे में जिसको हम कहते हैं शिस्टोसोम्स फ्लूक आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये शिस्टोसोम्स फ्लूक्स क्या हैं किस तरह से होस्ट के अंदर एंटर होंगे और कौन कौन से इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकते हैं ये ब्लड फ्लोक्स हैं और इनके अंदर ब्लड फ्लूक्स होने की वजह से इनकी मेडिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इनका इम्पैक्ट जो है दूसरे फ्लूक्स की नस्बत ज़्यादा है वो किस वजह से ज़्यादा है कि ये प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम इज़ आल्सो आ ब्लड पैरासाइट और प्लाज्मोडियम मलेरिया दे आर क्वाइट इंटरलिंक्ड इसी तरह से जो दूसरा फ्लूक जिसको शिस्टोसोम्स हम कहेंगे ये भी ब्लड फ्लूक है और प्लाज्मोडियम के बाद इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है ऑलमोस्ट इसने दुनिया में 200 मिलियन पीपल्स को इन्फेक्ट कर किया हुआ है इसका इन्फेक्शन जो है नॉर्मली किस किस कंट्री में ज़्यादा है अफ्रीका में ज़्यादा है साउथ और सेंट्रल अमेरिका में बहुत ज़्यादा है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा है और इसकी डिफ़रेंट स्पीशीज़ें जो कि हर कंटीनेंट के अंदर वेरी करती हैं और इसके अडल्ट जो हैं वो डायोशियस है डायोशियस का मतलब है दे हैव डबल मोड ऑफ लाइफ और ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम्स जो है दैट इज़ द फेवरेट प्लेस वेयर दिस फ्लूक्स नॉर्मली रिसाइड अब इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं मेल फ्लूक्स जो हैं इनका साइज़ और एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट है फीमेल फ्लूक्स का साइज़ और अनाटमी डिफरेंट है मेल फ्लूक्स जो हैं

और इसका बॉडी सरफेस जो है वो इंक्रीज किया हुआ है इसी स्प्लिटिंग ऑफ द एरियाज़ की हेल्प से अब फीमेल फ्लूक जो है नॉर्मली हमने कहा कि मेल और फीमेल की बॉडी एक दूसरे से डिफरेंट है मेल जो है वो शॉर्टर है फीमेल जो है नॉर्मली दे आर लॉन्गर सिलेंडर एंड दे आर कैरिड आउट इन द कैनाल ऑफ द मेल अब इसमें कपोलेशन मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल दैट इज़ क्विट कंटिन्यूस और चूँकि ये पैरासाइड्स हैं आपको ये भी बताया था कि जो पैरासाइड्स हैं क्योंकि इन्होंने होस्ट की बॉडी के अंदर फ्लॉरिश करना होता है जब इन्होंने फ्लॉरिश करना होता है तो दे प्रोड्यूस नॉर्मली थाउजेंड्स ऑफ एग्स तो ये होस्ट की बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेंगे और हर एग जो है उसके साथ है एक स्ट्रक्चर अटैचड है जो कि उसकी होस्ट की बॉडी के साथ फिक्स होगा उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पाइन और ये स्पाइंस जो हैं उसके थ्रू ये होस्ट के टिश्यूज़ में जाएंगे अनटिल दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दी बॉडी ऑफ दी होस्ट इधर बाय यूरिन इधर बाय फीसिस और दूसरे फ्लूज़ की तरह शश्योस्टोन्स जो हैं इनका एग जो है दैट इज़ हैविंग स्ट्रक्चर फॉर फिक्सेशन लेकिन इनके अंदर ओपरकुलम स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट अब इसमें भी एग्स के बाद डिफरेंट लार्वल स्टेजेस डेवलप होंगे मायरे लार्वा बनेगा मायरेकिडियम लार्वा जो है फिर ये फ्रेश वाटर में चला जाएगा फ्रेश वाटर में ये थ्रू कीमोटेक्सिस ये स्नेल को फाइंड आउट करेगा स्नेल की बॉडी में एंटर हो जाएगा यहाँ पे फिर एक और अदर लार्वल फॉर्म स्पोरोसिस में डेवलप करेगा स्पोरोसिस से डॉटर स्पोरोसिस बनेंगे और फाइनली यहाँ पर जो लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं करकेरिया लार्वा अब करकेरिया लार्वा जो है दैट इज़ फोक लाइक यानी फोक की शेप का जो है वो करकेरिया लार्वा है फोक की शेप का किस तरह है कि इसकी टेल जो है एंड पे वो फोक की तरह की होगी इस वजह से इसको हम करकेरिया को फोक टेल्ड मायरिकीडियम भी कह देते हैं अब इसमें एक और कॉम मायरकीडियम के बाद रेडियल लार्वा जो आता है जो पिछले फ्लूक्स में हमने पढ़ा लेकिन इसके अंदर कोई भी रेडियल लार्वा मौजूद नहीं होगा बल्कि करकेलिया लार्वा दिस विल लीव द स्नेल एंड पेनिट्रेट इन टू द स्किन ऑफ द ह्यूमन बींग्स और जब स्किन में चला जाएगा तो वहाँ पर इसके ग्लैंड होंगे ग्लैंड जो होंगे वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे और ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये एंटर हो जाएगा तो दिस लार्वा विल नॉर्मली लूज सम ऑफ हिट स्ट्रक्चर्स और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है टेल ये अपनी टेल को लूज़ कर देगा और डेवलप करेगा अडल्ट्स में इनटू द इंटस्टाइनल वेन्स स्किपिंग इन द मेटाकरकेरिया स्टेज यानी इसमें मेटाकरकेरियम स्टेज भी मौजूद नहीं होगी इस लाइफ साइकिल को हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं शीशियोस्टोम लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ से एग्ज़ जो है ये डेवलप हुए मायराकेडियम लार्वे में मायरा जो है वो फ्री स्विमिंग है इसकी एक्वेटिक स्टेजेस हैं नाउ दिस इज डेवलपिंग इनटू अनदर लार्वा दैट इज़ कॉल्ड स्पोरोसिस्ट और वो डेवलप कहाँ पे करेगा मायराकेडियम वंस इट इज़ फ्री फ्लोटिंग इन वाटर दिस विल फाइंड आउट आ होस्ट और वो होस्ट कौन सा होगा मुलस्कन होस्ट होगा प्राइमरीली प्रोटीन को सेंथिसाइज करेगा मायराकिडियम और स्पोरोसिस स्पोरोसिस विल डेवलप इनटू अनदर लार्वल स्टेज दैट इज़ कॉल्ड करकेरिया लार्वा और यहाँ पर इसके अनर्जी मेटाबोलिज्म और मोटिलिटी जो है दैट इज़ क्वाइट हाई फिर यहाँ से दिस विल एंटर इन टू अनदर लार्बल स्टेज शिस्टोस्टोमियम और दिस विल डिवेलप इंटू अनदर अडल्ट स्टेज अब अडल्ट जो है वो नॉर्मली अडल्ट जो हैं दे विल ले आउट एग्स एग्स विल बी फ्री फ्लोटिंग इन वाटर टिल द टाइम दे फाउंड मोलस्कन होस्ट तो जिस शिशियोस्टोम का लाइफ साइकिल जो है दिस इज़ आल्सो बिटवीन टू होस्ट वन इज़ इनवर्टिब्रेट अदर इज़ वर्टिब्रेट तो इसमें जो लिवर फ्लू की बजाय इसको हम ब्लड फ्लू भी कह देते हैं बिकॉज इट नॉर्मली लिव्स इन द ब्लड ऑफ द होस्ट